हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बनाने वाले हैं सिंधी कढ़ी। इसके लिए मैंने क्या किया है, आलू को काट लिया है, एक बैंगन और 4 से 5 भिंडी, और उसके साथ हमने यहाँ पर कद्दू भी ले लिया है। यहाँ पर आपको ड्रमस्टिक मिली तो वो ज़रूर ले लीजिए, सहजना की फली होती है उनको छील के। और यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, तेल में तल लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे क्या होगा ये जल्दी पक जाएंगे। यहाँ पर मैंने ली है हांडी। इसके लिए ये स्पेशल बर्तन होता है, वो ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे हांडी में ही बनानी थी, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि इसमें कितना स्वाद और एनहांस हो के आता है। यहाँ पर तेल लिया है, उसी में हमने डाल दी है जीरा और राई, और यहाँ पर कड़ी पत्ता ऐड किया है। इनको भुनने के बाद इसमें ऐड कर रही हैं 3 चम्मच यहाँ पर बेसन की। बेसन को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, इसको चलाते रहें वरना जो बेसन है ना वो जल जाएगा। इसको एकदम स्लो टू मीडियम आँच पे हमें भूनना है अच्छे से। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अराउंड 1 से 1.5 चम्मच घी ऐड किया। इससे क्या है ना, फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो बेसन है थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया था, तो हमने अब इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर लाल मिर्च, धनिया और हल्दी ऐड करी है। आप नमक भी ऐड करें और इसके साथ थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग मिक्स करते जाएँ। ये गुनगुना पानी लिया है, इससे क्या होगा ना, लम्ब्स नहीं बनेंगे और जो हमारी हांडी है ना उसको चटकने का डर नहीं रहेगा। अगर आप इसमें ठंडा पानी डालोगे तो क्या होगा ना, इसको शॉक लग जाएगा तो ये चटक सकती है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गुठली ना आए तब तक हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये थोड़ी पतली सी ही बनती है जो इसकी तरी होती है, एकदम हमारी कढ़ी जो गाढ़ी होती है। लेकिन यहाँ पर हमने अराउंड 3 ग्लास पानी ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे मीडियम आँच पर। और जब ये थोड़ा 1-2-3 उबाल आ जाए तो अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम सारी अपनी जो सौते की हुई सब्जियां थी उनको। और यहाँ पर जब तक हमारे आलू और जो हमारा कद्दू था ना वो पक जाएगा तब तक हम इसको उबाल लेंगे अच्छे से। और फिर हरे धनिया और इसमें डालें गरम मसाला और इसको इंजॉय करें रोटी के साथ, चावल के साथ में, किसी के साथ में भी। और बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।